हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज जाम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार प्रभास की। आपको बता दें, प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में की थी और उनकी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग साल 2015 में आई। उससे पहले उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें जो है एक ज़बरदस्त पहचान बाहुबली ने दिलवाई है। बाहुबली फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। आपको बता दें, जब बाहुबली आई थी तब हर कोई इस बात को देखकर चौंक गया था। जब प्रभास की एक्टिंग जब सामने आई, इतनी गजब की एक्टिंग उन्होंने की है बाहुबली में। बाहुबली जैसे ही ख़त्म हुआ और एक सस्पेंस पे जो है बाहुबली को ख़त्म किया था द बिगनिंग को, जहाँ पे कटप्पा जो है वो बाहुबली को मार देते हैं, और इसी सस्पेंस पे जो है फिल्म ख़त्म हुई थी। और उसके बाद से लगातार बाहुबली द कंक्लूजन का वेट किया जा रहा था। जब ये फिल्म आई तो ये उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया गया और फिल्म की कहानी वहीं पे ख़त्म हुई। लेकिन जब बाहुबली 2 ख़त्म हुई, उस वक्त से ही दर्शक जो है लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहुबली 3 देखने को मिले। जी हाँ, फिलहाल इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स जो है वो सामने से नहीं आ पा रही है, लेकिन कुछ हिंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि बाहुबली 3 आएगी। तो क्या आप भी बाहुबली 3 का इंतज़ार कर रहे हैं? हमें कमेंट में बताएं। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।